स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पीछे के लेक्चर में एंगल्स को जाना था, आज एंगल को मेजर करने में जो यूनिट यूज करे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। नंबर सेकंड, फ्रेंच सिस्टम या सेंटिसिमल सिस्टम। नंबर थर्ड, रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। यहां ध्यान रखिए, यह एक सर्कल है। इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, इस परिधि पे एक पॉइंट हमने कंसीडर करी, पॉइंट पी। इस वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री सेंटर पे। तो 360 डिग्री को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो इच पार्ट होगा फोर इक्वल पार्ट्स 90 डिग्री का, तो इच पार्ट कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एक पार्ट 90 डिग्री का होगा। अब इस एक पार्ट को हम 90 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो ए से लेके बी तक जो आपको परिधि सर्कमफेरेंस का एक पार्ट दिख रहा है वन फोर्थ, इस वन फोर्थ को हमने 90 बराबर भागों में बांटा। तो 90 बराबर भागों में बांटने पे एक भाग एक डिग्री का बनेगा। अब इस एक भाग जो एक डिग्री का है उसे फिर 60 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो 60 बराबर भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री बराबर 60 भाग, और एक भाग क्या कहलाता है, एक मिनट कहलाता है। तो 60 बराबर भाग कितने भाग हो जाएंगे, 60 मिनट। तो याद रखेंगे एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट का सिंबल कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है ना। दूसरा, अब इस जो मिनट था एक डिग्री का, आपने 60 मिनट करा। अब इस एक मिनट को उठाते हैं और इस एक मिनट को फिर से 60 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो जो एक मिनट होगा वो फर्दर 60 बराबर भागों में डिवाइड हुआ, तो उसका नाम 60 सेकंड कहेंगे आप। जो वन मिनट था उसे 60 सेकंड के नाम से जानेंगे। जो क्वार्टर रिवॉल्यूशन है, यदि 100 बराबर भागों का होता है तो 100 बराबर भागों का होगा तो एक पार्ट एक ग्रेड कहे जाएंगे, और 100 बराबर भाग है 90 डिग्री के तो 100 ग्रेड्स होंगे। तो ये याद रखना, जो 90 डिग्री होगा वो 100 ग्रेड्स के बराबर होगा। यह सिस्टम क्या कहलाता है, तो फ्रेंच या फिर सेंटिसिमल सिस्टम। इसी में जो 90 डिग्री थे उसके 100 भाग, एक भाग एक ग्रेड, 100 भाग 100 ग्रेड। अब इस जो 100 ग्रेड का 100 भाग है उसमें से एक भाग को उठाते हैं और इस एक भाग को फर्दर 100 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो एक ग्रेड का 100 बराबर भाग हुआ उसे क्या कहेंगे, 100 मिनट कहेंगे। कुछ ऐसा, वन ग्रेड इक्वल्स 100 मिनट, 100 मिनट। अब यह जो एक ग्रेड वो 100 बराबर भागों में बटा, जिसे 100 मिनट नाम दिया गया, एक भाग एक मिनट, 100 भाग 100 मिनट, ये वन ग्रेड का। अब क्या करते हैं, इसी चीज को जो आपने 100 बराबर भागों में बांटा था वन ग्रेड को, अब इसमें से 100 बराबर भागों में से एक भाग को फिर से उठाते हैं और उस एक भाग को फर्दर 100 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे जो एक ग्रेड का ये 100 मिनट, और इस 100 मिनट में एक मिनट, फिर इस एक मिनट का 100 बराबर भाग, तो एक जो भाग बना
उस एक भाग को क्या कहेंगे, एक सेकंड। तो 100 भाग को कितने सेकंड, 100 सेकंड। तो कुछ ऐसा जो एक मिनट होगा वो 100 बराबर भागों में बटा, जिसे 100 सेकंड के नाम से जानेंगे। और सेकंड जब आपको यूज करनी है तो आप कुछ इसके हेड पे ऐसा यूज करेंगे, ठीक। जो नंबर थर्ड है वो रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर सिस्टम के नाम से इसे जानते हैं। ये क्या होता है, आपके पास एक सर्कल, उस सर्कल में आपने सेंटर पे पहुंचा और उस सर्कल की जो रेडियस, जो त्रिज्या आपने मापा, मेजर करा, तो जितना रेडियस आपको मेजरिंग आया उतनी ही मेजरिंग में, उतनी ही मेजरमेंट वैल्यूज में आप क्या करते हैं, इसके जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस का रेडियस के बराबर लंबाई आपने मेजर करा। जितना रेडियस का मेजरमेंट था उतना ही आपने सर्कमफेरेंस के जो पार्ट ए भी है, आर्क लेंथ ए भी है, इस आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के बराबर आपने मेजर करी। मतलब आर्क बराबर रेडियस। तो इस कंडीशन में जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसे ही 1 रेडियन के नाम से जानते हैं। इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि जो रेडियन होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है रेडियस से, जैसा कि आपको यहां पे लिखा गया है, ठीक है। और यह एक कांस्टेंट एंगल है, जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट होगा तो कांस्टेंट होगा ही होगा। तो इस रिलेशन को हम नेक्स्ट के क्लास में जानेंगे, पर इतना याद रखिएगा जो रेडियन होता है वो कुछ इस तरीके से डिनोट करा जाता है। और इतनी सारी बात आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।